तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा ईमेल में आप किसी को इमेज फोटो किस तरह से भेज सकते हैं या किसी भी फाइल को आप अटैच कैसे कर सकते हो उसके बारे में। तो चलिए मैं सिंपली अपने ईमेल को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से उसमें पिक इंसर्ट करके आप किसी को मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा कि भाई इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ, तो आपको मैं वो कमेंट दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सौरभ सिंह, इन्होंने कमेंट किया कि भाई ईमेल पे फोटो कैसे यहाँ पे भेजे, इस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने उनसे पूछा जरूर बोलिए और कब बना दूँ, तो इन्होंने कहा आप जब चाहे। तो मैंने इनको ये बोला कि प्रॉमिस दिया कि भैया नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आपको बता करके बता दूंगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सिंपली कर लेता हूँ जीमेल अपना ओपन। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ थर्ड आइकन जो आपको यहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आपको जो है इनबॉक्स वगैरह का ऑप्शन आ जाए। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एक सेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। सेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यदि आप किसी को कुछ सेंड किए हो तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं तो नॉटिंग यहाँ पे सेंड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है, यहाँ पे प्लस आइकन एक दिखेगा उस पर आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा ईमेल आईडी, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू, यानी कि आप किसको भेजना चाह रहे हैं वो। साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है जिसके जो आप भेजना चाहते हैं, साथ में यहाँ पे कंप्रोज ईमेल, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो इस आइकन पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अटैच अ फाइल इंसर्ट फ्रॉम डिवाइस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सिंपली ऊपर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अटैच अ फाइल पे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, इसमें से आपको जो है किसी भी पिक को इंसर्ट कर देना है या नहीं, तो आपको यहाँ पे थर्ड आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको इसमें से जो है आपको अपने गैलरी से यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। आपके सामने इस तरह से आएगा, आपको गैलरी इंसर्ट कर लेना है। तो गैलरी पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके सारे पिक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और आप जिसको चाहे यहाँ से इंसर्ट करके आप कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में ओके पे टैप कर देता हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं ये मेरा फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो यही था छोटा सा वीडियो आपके लिए, जो कि ईमेल पे आप किसी को पिक कैसे सेंड कर सकते थे उसके बारे में। सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो ये सौरभ कुमार इन्होंने जो कमेंट किया था उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका अब वीडियो बन गया है। आई होप कि आप जो इस वीडियो को चेकआउट किए होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए आपको जो भी अगला रिक्वायरमेंट है। और पेटीएम कैश का जो गिव अवे होने वाला है वो उसका अनाउंस जल्दी हो जाएगा, तो आप अपना पेटीएम नंबर कमेंट कर सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर, खुचरे मचरे बेसरे, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। थैंक यू सो मच।